आइडिया होता कि मेरी तारीफ में इतना अच्छा बोला जाएगा तो मैं अपनी वाइफ को लेके आता। इको आ रही है, इको परेशान करती है हम पंजाबी को। हिंदी में कंफर्टेबल है सब लोग? पर ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं बोल सकता, पर इस समय इंग्लिश बोलनी मुश्किल होगी थोड़ी सी। रात को कहोगे जितनी बोलने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 60 ml। दिन के समय सेमिनार रखो और उसके बाद सोचो इंग्लिश बोलेगा वो भूल जाओ। हाँ, वादा कर देता हूं आज के सेमिनार में, सेशन में जितने देर आपके सामने हूं, एक वादा, एक अश्योरेंस, एक प्रॉमिस कि आपकी वाइफ, सॉरी, आपकी लाइफ बदल दूंगा। लोग खुश हो गए, अच्छा ये ठीक है, आरटी सर अच्छा सरदार पकड़ लाए आप। स्लीप ऑफ डन, कुछ भी मुंह से निकल सकता है, सीरियसली हो जाओ। आप किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी शादी में गए और वहां एक लड़की देखी और उसको जाके अपने इंट्रोडक्शन दी, हेलो आई एम सो एंड सो एंड आई एम अ फैंटास्टिक पर्सन। इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। उसी लड़की के लिए आपने एक ड्रिंक बनाई, एक प्लेट लगाई, उसको गाड़ी तक छोड़ने गए, उसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपने उस लड़की को फोन किया और फोन पे बताया कि आई एम सो एंड सो एंड आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग। किसी दोस्त ने, आपके किसी दोस्त ने उसको कहा कि मिस्टर सो एंड सो इज ए फैंटास्टिक पर्सन, उसे क्या कहते हैं? रेफरल मार्केटिंग। और अगर वही लड़की आपको फोन करे और आपको कहे कि मैंने सुना है यू आर ए फैंटास्टिक पर्सन, तो उसे कहते हैं कामयाबी, सफलता, सक्सेस। अगर हमें बताना पड़ रहा है कि हम फैंटास्टिक हैं, अगर हम बताना पड़ रहा है कि हम अच्छे इंसान हैं, अगर हम बताना पड़ रहा है कि आई एम अ गुड सेल्समैन, दिस मीन्स आई एम नॉट, लोगों को पता चल जाता है। अगर मैं अमीर हूं तो लोग जान लेते हैं कि अमीर है, बताना नहीं पड़ता। अगर बताना पड़ेगा मीन्स अमीर नहीं। तीन वादे करता हूं, तीन वादे। पहला वादा, आपकी फैमिली हैप्पीनेस लेवल जो भी है, बिजनेस की बातें कम करूंगा, बिजनेस मैं समझता हूं बाय प्रोडक्ट होता है, बिजनेस इज ऑलवेज ए बाय प्रोडक्ट, काम कुछ और करना पड़ता है, वही डिस्कशन करेंगे आपके साथ। मैं वहां खड़ा नहीं हुआ उस पोडियम के पीछे, कल 250 रुपए खर्चे हैं ड्रैगिंग कराने में, वहां दिखाई भी देता लोगों को। अब देख लिया, अब जा सकता हूं वहां पर कि यहां रहूं? ओके, इसको निकाल सकता हूं, है ना? ये मेरी सीट पर रख लीजिएगा, सीट पे इसलिए रखना है वहां और भी ना बैठ जाए आगे, सीट रुक गई। आपकी फैमिली हैप्पीनेस लेवल जो भी है, हो सकता है इतना हो, हो सकता है इतना हो या पहले से ही इतना हो, मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। आर यू रेडी? ऐसे होते हैं जी, जब मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूं कि आपको मेरी बात पहुंच पाए, तो मुझे जो जवाब चाहिए मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में, आर यू रेडी? पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी में आहो पूरे जोश के साथ। अरे आप मेरे बड़े भाई हो, आई एम फ्रॉम नॉर्थ एंड यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया। तो तैयार हो? पूरा जोश। तो ऐसा नहीं आप मेरी सफेद दाढ़ी देख के ना सोचो कि बंदा बूढ़ा है, वो दाढ़ी सफेद इसलिए करनी पड़ी कि मैंने होर्डिंग देखा था मोदी जी का कि कुछ भी काला नहीं रहना चाहिए, तो मैंने सोचा दाढ़ी की बात हो रही है, मैंने दाढ़ी सफेद कर ली। लेकिन जोश आप जितना ही है, मेरी उम्र नहीं पूछिएगा, आज से 40 साल पहले मैं 18 साल का था, उम्र बताने नहीं होती है। दूसरा वादा, दूसरा वादा, आपकी समाज में, आपके दोस्तों में आपकी इज्जत का लेवल,
आपका रिगार्ड लेवल, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल जो भी है, मे बी यहां होगा, मे बी यहां होगा, या हो सकता है यहां पर हो, उस लेवल को भी वहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। तैयार हो? अब मजा आएगा उसे। मुझे सरदार एक ही दिखाई दे रहे हैं यहां पर, है ना, और नहीं है कोई? ये सरदार वरदार कोई नहीं होते, मन का वहम ही होता है वैसे। जितने जोक्स बने हमारे ऊपर बने, आप हंसते रहे, आप हमें जोक सुनाते रहे, और हम भी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। थर्ड वादा, तीसरा प्रॉमिस। पहला मैंने किया, आपके परिवार की खुशी का लेवल बढ़ाने वाला हूं, आपकी समाज में इज्जत बढ़ाने वाला हूं, एंड थर्ड आपका इनकम का लेवल, जो भी है, हर किसी का अलग होगा। हो सकता है कोई अभी स्ट्रगल कर रहा हो सकता है कोई पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, यह हो सकता है पहले से ही आप पीक परफॉर्मर हो। मेरा वादा है सबके लेवल को वहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। तैयार हो? तो आप क्या सोचते हो, कुछ भी अच्छा मिल जाए और ऐसे मिल जाए? कुछ भी नया लेने के लिए बाजार जाइए, कुछ भी अच्छा लेने के लिए बाजार में जाइए, नीचे छोटा सा एक स्टार बना होता है ना, कंडीशन अप्लाई। एक कंडीशन बता देता हूं, बाकी चलती रहेगी। जितनी देर मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, उतनी देर आप सब लोग मुझे बर्दाश्त करोगे, झेलोगे, टॉलरेट करोगे, कर लोगे, और इसके अलावा कर भी कर सकते हो, चॉइस भी क्या है आपके पास, सुनना तो पड़ेगा, जो मर्जी बोलो। हाँ, एक चीज शुरू में बता देता हूं आपको, जो भी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं आज, मेरे कपड़े, मेरी टाई, मेरी पगड़ी, मेरी घड़ी, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा नॉलेज, मेरी बॉडी, मेरा फ्लैश, मेरा ब्लड, ये सारा कुछ इंश्योरेंस से ही बना है। अगर मैं किसी को अपना ब्लड डोनेट करता हूं तो वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है, क्योंकि मेरे ब्लड में इंश्योरेंस ही है, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। बातें करूंगा, अब मैं नहीं बेचता हूं, क्योंकि कभी किसी जमाने में प्लेयर था, अब कोच बन गया हूं। तो शुरुआत में छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप एक्टिंग करते हो तो आपको एक्टिंग जान के करनी पड़ती है या अपने आप हो जाती है? कोई बोल दीजिए। अब एक्टिंग कर रहे हो ना, सर क्या खूबसूरत आपका कोट है, वाह, अंदर से लग रहा है कि यार पता नहीं है भी सही कि नहीं, सर क्या टाई है आपकी, एक्सेलेंट, क्या चॉइस है, क्या चॉइस है, सर आपके स्पेक्स का फ्रेम एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, मैडम आपकी साड़ी का कलर कितना बढ़िया है। याद है लास्ट अपनी फैमिली में कब तारीफ, इतनी हिंदी समझ रहे हो ना आप सब लोग, कब तारीफ की होगी लास्ट? एक्सक्यूज मी सर, सर सेमिनार में हो गुवाहाटी, सर वो सर आपका फोन तो पिक करना है ना, आपसे तो सैलरी लेते हैं सर। यस सर, सर एक घंटे के बाद कॉल बैक करता हूं, नाइस ऑफ यू, ग्रेट टू यू और ये सर, सर करता हूं, बाय बाय। कैन यू गेस ऐसे बात किसके साथ होती है? बॉस के साथ। आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरी टोन ऑफ वॉइस से ज्यादा लगा लिया कि बॉस के साथ बात कर रहा था। एक और गेस्ट कीजिए। हाँ जी रमेश जी, ओ यार गुवाहाटी में, ओ मैं भी यहां पर हूं, नहीं नहीं रात को बैठते हैं, नहीं नहीं वो नहीं आई यार, और सेमिनार में हूं, तेरी में सुनता नहीं यार, बात बोल दो, बाय बाय। अब कौन था? फ्रेंड। अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, द कंटेंट्स, द फेस एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था। एक और गेस्ट करें। हेलो, हाँ बिजी हूं, बाद में बात कर लेना। कितनी जल्दी समझ गए, कितनी जल्दी समझ गए कि वाइफ का फोन था, क्योंकि यही है आपकी पर्सनैलिटी, यही है आपका करेक्टर।
हम बाहर से एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं सर कितने बढ़िया कपड़े हैं ना नाइस ऑफ यू ग्रेट ऑफ यू अंदर से ही बोल रहे होते हैं आपको मिलकर भयंकर पसंदा हुई हम इसीलिए शायद कहीं कामयाबी और अब के टाइम में बीच में जो गैप है वो इसीलिए है कि हम ओरिजिनल नहीं है बाहर से और एक्टिंग पकड़ी जाती है और ये किसी भी जोक में जो इंश्योरेंस नहीं बेचते हैं उनके साथ बात कीजिए ये बहुत कॉमन जोक है जब किसी को बोलते हैं कि तेरा सूट बहुत बढ़िया है तो यही कहता है मेरा बीमा करने आया उसको लगता है कि एक्टिंग करते हैं लोग जब तक हम एक्टिंग करेंगे तब तक कामयाबी जो चाहते हैं जो हमारी सोच है जो हमारा सपना है वह नहीं पहुंच पाएंगे हमें अंदर से चेंज होना पड़ेगा अंदर से चेंज होने के लिए हम अपने परिवार में अपनी फैमिली में चेंज होना पड़ेगा क्योंकि सबसे मुश्किल होता है अपने परिवार में किसी की तारीफ करनी वहीं मुस्कुराना मुश्किल है बाहर तो मुस्कुरा ही लेते हैं वहां गारंटेड है वहां तो केवल फॉल्ट ढूंढे जाते हैं प्लेट सामने आ गई वाह दाल ठीक है सब्जी ठीक ही है रायता ठीक है चपाती कैसी चपाती बनाती है तुम साइड में चली हुई है बाहर कुछ भी हो कैसा भी हो बस सलाम एक्सेलेंट बहुत बढ़िया हम आज का सेमिनार अपने परिवार से शुरू करें आहो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा यार आपको सोचना पड़ा उसका जवाब देने के लिए हो गया सर नॉर्मल फोटो अपने परिवार से शुरू करें साहब जी 12 पूरे बज गए पूरे 12 का टाइम हो गया इतने खतरनाक टाइम पर मुझे स्टेज पर बुलाया उन्होंने वैसे मैं आपको इतना बता दूं सब लोग हंसते हैं हम भी हंसते हैं हमें यही सिखाया गया है कि लाफ विद अदर्स डोंट लाफ एट अदर्स इसलिए आप भी हंसते हो हम भी हंस पड़ते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक चीज पक्की है पूरी दुनिया घूम लीजिए आपको कोई भी सरदार भिखारी दिखाई नहीं देगा कभी हम कुछ भी कर सकते हैं हम ड्राइवर बन सकते हैं हम वर्कशॉप खोल सकते हैं गैरेज खोल सकते हैं ढाबा खोल सकते हैं ट्रेनर बन सकते हैं कुछ भी बन सकते हैं हम भीख नहीं मांग सकते और सेल्समैन और सरदार में कोई फर्क नहीं होता ना सरदार भीख मांग सकता है ना सेल्समैन भीख मांग सकता है आज अपने घर में जाते ही अगर आप सोचोगे यार ये स्पीकर है कुछ भी बोल लेगा मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं सही बोल रहा हूं जाते ही जो भी सामने आए आपकी वाइफ आपके हस्बैंड आपके मदर फादर जो भी सामने आए देखिए ऐसा क्या है जहां पर तारीफ की जा सकती है जहां कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं कुछ तो अच्छा होगा मे बी द ड्रेस मे बी हेयर स्टाइल मे बी मेकअप मे बी रोटी मे बी सफाई मे बी फर्नीचर का अरेंजमेंट कुछ तो अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगे वहां कॉम्प्लीमेंट्स दे दीजिए अगर आपको लगता है कि आप पहले से ऐसा करते हो भूल जाइए आप नहीं करते हो ट्राई करना घर जाते ही पहले पहुंचे सामने आपकी वाइफ पिंकी आपने पिंकी नहीं बोलना है वो मेरा हक है बस जाओगे आप सारे पिंकी क्या बात है यार क्या साड़ी पहनी है क्या कलर है क्या चॉइस है उसके बाद सुन लेना वो क्या कहती है पहले बताइए कहां से आए हो आपने कहा था गुवाहाटी जा रहे हो सेल्स कांग्रेस के लिए अब आए कहां से हो जो साड़ी पिछले 20 ईयर्स से पहन रही हूं वो आज दिखाई दी पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है उसके बाद इजी हो जाता है फिर और इजी हो जाता है फिर और इजी हो जाता है फिर बन जाती है आपकी आदत हैबिट पहली बार सच बोलना मुश्किल था फिर इजी हो गया फिर और इजी हो गया फिर और इजी हो गया फिर बन गई आपकी हैबिट पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल था फिर इजी हो गया फिर और इजी हो गया फिर बन गई आपकी हैबिट पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स देने और पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स लेने दोनों ही मुश्किल हैं उसके बाद इजी हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे फिर बन जाएगी आपकी हैबिट जब आपकी हैबिट बन जाएगी
मुस्कुराने की जब आपकी हैबिट बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्स पास करने की जब आपकी हैबिट बन जाएगी, तारीफ करने की, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने वाला कौन है। ये मेरा कोलीग है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा वेंडर है, ये रिक्शा वाला है, ये ठेला वाला है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, अमीर है, गरीब है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप सबके साथ मुस्कुराओगे, सबकी तारीफ करोगे। जब सबकी तारीफ करोगे तो लोग आपके नजदीक आ जाएंगे। जब लोग आपके नजदीक आ जाएंगे तो सक्सेस आपके पैर चूमेगी। यस इट डस। कोई बड़े बड़े जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्लान्स की नॉलेज कम भी है तो चलेगी। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ा सा कम जानते हो तब भी चल सकता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर आप मुस्कुराते नहीं हो तो भूल जाइए, फिर बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। मेरी बात पहुंच पा रही है? yes, सहमत हो? आहो। बोलते नहीं हो आप लोग, इसमें दिक्कत क्या बोलने में? सोफिस्टिकेशन बाहर से होती है, अंदर से एंथी होता है, पूरी एनर्जी, पूरा जोश। समय लग रही है? अब बात बनेगी, ऐसा जवाब तो यार, बातें करने आया हूं मैं इसीलिए उससे पीछे नहीं खड़ा हुआ, मैं लेक्चर करने नहीं आया हूं, मैं आपकी आपके आपकी फैमिली का पार्ट हूं, मुझे आपकी एज दिखाई नहीं दे रही, आप सब मेरे लिए बच्चे हो। मैं सन्स एंड माय डॉटर्स, बनने के लिए तैयार हो? आहो। और बनने के लिए तैयार हो? आहो। पिंकी बहुत खुश होगी। 800 सन्स एंड डॉटर्स, और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा। मधुकर नाथ जी कहते थे नो पेन नो गेन। सर ये सारा गेम विदाउट पेन ही है। सो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, मैं जो भी बोल रहा हूं ये सोच के बोल रहा हूं कि परिवार में है, आप भी यही सोच सुनिए कि आप परिवार में हैं, फैमिली में हैं। माय क्वेश्चन टू यू, कुछ भी अचीव करने के लिए, कोई भी मेडल प्राप्त करने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए, कोई सक्सेस पहुंचने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? माय क्वेश्चन टू यू, फर्स्ट स्टेप, जोर से बोल दीजिए। आप जानते नहीं हो या बोलना ही नहीं आता? मुझे बीच में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बोल दीजिए, पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग से भी पहले गोल से भी पहले कॉन्फिडेंस से पहले ड्रीम डिसीजन से पहले बिलीव से भी पहले ह्यूमन रिलेशन से पहले यहां आवाज कुछ और आई थी अभी। ड्रीम कौन बोला? एक्सेलेंट, इनके लिए क्लैप कर दीजिए एक बार। एक्सेलेंट, कौन सा ड्रीम? रात का या दिन का? अच्छा मैं क्वेश्चन करता हूं आपको, जो ड्रीम है, दिन का ड्रीम, ये देखना आसान काम है या मुश्किल? आसान, सब लोग मानते हैं। ड्रीम देखने की बात कर रहा हूं, काम करने की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ड्रीम देखने की बात कर रहा हूं। जो मैंने कहा था कि मेडल प्राप्त करना है, सक्सेस लेनी है, अचीव करना है, कुछ भी, ये आसान है या मुश्किल? आसान। हम ड्रीम कैसा देखते हैं? सर मैं यहां बोल सकता हूं कहीं पर भी अलाउड है ना? वहां थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, मजा आएगा आपको सुनाने करके, घूमूंगा, और साथ में एक फायदा और भी है, किसी पर नींद आ रही होगी तो मुझे दिखाई देगा। उसको पता है यार, पकड़ ना जाए हम। ये ड्रीम देखना आसान काम क्यों लगता है? क्योंकि जब हम ड्रीम देखते हैं, मेरे फादर जो है बैंक में काम करते हैं, 1 लाख रुपए महीना घर ले आते हैं, लेकिन मैंने 1 लाख नहीं कमाना है, मैं 1.5 लाख कमाना चाहता हूँ, 2 लाख कमाना चाहता हूँ। मेरे मदर टीचर हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, 50,000 लाख 80,000 घर ले आते हैं, पर मैं 1 लाख में सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाना है। 2 बेडरूम सेट है हमारे पास,
पर टू बेडरूम सेट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं थ्री बेडरूम फोर बेडरूम सेट लेना चाहता हूं। ऐसे ही ड्रीम देखते हैं ना सब। वाहो कुछ बोले ना क्या यार, यार ना कर दो, यार हाँ कर दो, नहीं ठोको ताली से तुझी है। सारे सरदार एक जैसे ही होते हैं। सरदार को फोटोग्राफ ले रहे हैं हमारे, ये नाम भी फोटो लें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे सरदारों की फोटो एक जैसी होती है। कहीं से फोटो ले लो एक जैसी आएगी, आगे से पीछे से सबको फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे ही ड्रीम देखते हैं क्या? क्या जनरली हम ऐसा ड्रीम देखते हैं कि मेरी फैमिली इनकम है 2,00,000 रुपया और मेरी इनकम होगी 25 करोड़। हम आमतौर पे ऐसा ड्रीम नहीं देखते हैं कि मेरी फैमिली इनकम 2,00,000 रुपया है और मेरी 25 करोड़ होगी। इसीलिए आपको ड्रीम देखना आसान लगता है क्योंकि आपको ड्रीम देखना नहीं आता। ड्रीम देखना, सपना देखना, इच्छा करनी, डिजायर करनी, कुछ सोचना सबसे मुश्किल काम है। अभी मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ड्रीम की बात कर रहा हूं। ड्रीम देखना ही सबसे मुश्किल काम है। हम छोटी सी बच्चों वाली गेम खेलेंगे, बच्चों वाली स्कूल में जो गेम खेलते थे, हो सकता है उस गेम से 75% ऑफ पीपल सिटिंग हियर उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। आज से 30 ईयर्स पहले मेरी लाइफ में चेंज आया था। 75% मैंने इसलिए बोले हैं कि 25% एक्सेप्शन ले ली। कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है यार चल रही है लाइफ, यार क्या है सुधे, वैसे भी रखा भी क्या है, 2-3 साल की बात है, सिविल वार शुरू हो जानी है, भाई भाई को मार रहे हैं, सोचते हैं तो वो 25% में पहले साइड पे कर चुका हूं। तो बाद में मुझे कॉल आया जी मेरा तो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स एक्शन को मिलते हैं, डिजायर को नहीं। डिजायर हमारा पहला स्टेप है। 5 या 6 लोग चाहिए मुझे, वॉलंटियर्स, 6 वॉलंटियर्स, आ जाइए, कोई भी आ जाए, जो यहां पर आएगा उसका इनकम टैक्स अगले साल 2 करोड़ हो जाएगा। वाकई क्विकली 6 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आ जाइए, एक्सलेंट, गुड, 3, 4, 5, 6, 7, ओके चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम छोटी सी गेम खेलेंगे, बच्चों वाली गेम है, उसका संदेश बहुत बड़ा है, उसका मैसेज बहुत बड़ा है। आप लोग मेरे साथ, हम इनकी हेल्प करेंगे। अमृतसर सुना है आपने? अमृतसर पंजाब में एक सिटी है, वहां से एक ट्रेन चलती है जो मुंबई जाती है, जिसको हम गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस कहते हैं। अमृतसर से ट्रेन चली, आप सब लोग उस ट्रेन में बैठे हो और मैं उसका गार्ड हूं, ठीक है, मैं गार्ड हूं, मेरे हाथ में विसल है। विसल कहां है मेरी? बिना विसल के गार्ड नहीं होता है, बिना विसल के ट्रेनर भी नहीं होता है। सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं फ्री में लोग बुला लेते हैं हमें। जब मैं अपनी फीस बोलता हूं तो कहते हैं तेरे पास विसल है? तो मैं कहता है तो फीस मेरी सुन लेते हैं लोग। अमृतसर से चल के जो पहला स्टेशन आता है वो आता है लुधियाना। आपने सोचा कि आपने लुधियाना जाना है? मैंने नहीं बताया, सिर्फ इनसे बोल रहा हूं। आपने सोचा लुधियाना जाना है, जैसे ही मैंने विसल की ट्रेन चलेगी और आप यहां आगे खड़े हो जाइएगा, ये लुधियाना है। मैंने नहीं बताया है, ध्यान रखिएगा। आपने सोचा दिल्ली जाना है और दिल्ली है ये नेक्स्ट, मेरी विसल होने पर आप दिल्ली आकर रुक जाइएगा। आपने सोचा है कोटा और मेरी विसल होने पर यहां रुक जाइए, ये कोटा। नेक्स्ट सोचिए आप रतलाम, रतलाम याद रहेगा सिटी, 1, 2, 3, 4, हाँ रतलाम, और रतलाम ये है। आप इधर आ जाइए, ठीक, आप दोनों लोगों ने मुंबई जाना है और मुंबई जो है वो थोड़ा सा पीछे यहां पर, ओके, अपने अपने सिटी याद है, लुधियाना, दिल्ली, कोटा, रतलाम एंड मुंबई। आपको बाद में बताता हूं।
कोई बंदा तो मुझे मिला यार अपने जैसा। मेरी मिसेज ने कहा अपने अपने सिटीज आपको नहीं पता अभी, अभी आप यहीं रहोगे। हम ऑब्जर्व करेंगे गेम में क्या हो रहा है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, एंड डिस्कशन के बाद मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप अटेंटिवली देखिए बच्चों वाली गेम, लेकिन इसका मैसेज रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप कहां पहुंचे हैं? लुधियाना। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रेन आगे जा रही थी, आपको पता था कि ट्रेन मुंबई जानी है, लेकिन आप लुधियाना ही क्यों उतर गए, ये मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि मेरा स्टॉपेज था वहीं उतरना। गुड, आपका स्टॉपेज था आपने उतरना था, सही। मेरा सवाल ही गलत था, जवाब तो सही। आप कहां पहुंचे? दिल्ली। क्यों? ट्रेन रास्ते में रुकी थी, उतरने की इच्छा नहीं हुई? नहीं सर, मैं डेस्टिनेशन दिल्ली। डेस्टिनेशन दिल्ली था, समझ पा रहे हैं ना? इसको हम डिस्कस भी करेंगे। आप कहां पहुंचे? कोटा। ट्रेन आगे भी जा रही थी। यार मेरी आवाज बीच बीच में कई बार सलमान खान जैसी नहीं हो जाती? हाँ ये बंदा ठीक है, बाकी तो झूठ बोलने नहीं आता किसी को, आप अकेले जिसे झूठ बोलना आता है। जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता, जब दो बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने बाप की नहीं सुनता, जब तीन बार कमिटमेंट कर लेता हूं लोग मेरी नहीं सुनते। अब सेम आंसर आपका भी। आप कहां पहुंचे? तो आप मुंबई के वो थे, तो जो सिटी बोलने में मुश्किल लगता है ना उसको छोड़ दिया इन्होंने। सेम आंसर, ओके, मुंबई। दो दिन लगे पहुंचने में, लेकिन आप रास्ते में इच्छा नहीं उतरने की? नहीं, मुंबई जाना सोचा ही, मुंबई जाने का था। वाह, आप सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, बीच में आऊंगा। चाहते लोग कहते हैं बीच में नहीं आना है, आप खुद ही बोलते रहो, ऐसे आंखें नीचे कर ली। हाँ जी, आप चले नहीं? हाँ जी, मेरे तो इतने खड़ा होता है। इनकी पंजाबी समझ नहीं आप? जिस जो पंजाबी नहीं बोल, पंजाबी तो सबसे मुश्किल लैंग्वेज है दुनिया में। द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इज पंजाबी, द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज इज इंग्लिश। किसी पंजाबी को एक विस्की का पैक पिला दो इंग्लिश बोल लेता है, और किसी अंग्रेज को पूरी बॉटल विस्की बुलाओ उसको बोलो पंजाबी बोल के दिखा, वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है जी, आप सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए एक लाइव कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, आगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब पहले मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, एनीवन क्या ऑब्जर्व किया इस गेम में? कुछ गलत बोल सकते हैं, बोलिए जरूर। जैसा जिसका ड्रीम वैसा ही डेस्टिनेशन, जिसका जैसा ड्रीम वैसा ही डेस्टिनेशन। हाँ जी, यहाँ पर कोई एनीवन? यस, वही क्या जो आपने उन लोगों को बोला, उन लोगों ने वही किया जो मैंने उनको बोला। यस, जो सभी ने अपने लिए निर्धारित कर रखे थे वहां पहुंच पाए, जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था वो वही रह गए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। यहां पर कोई एनीवन? एनीवन कुछ और आपके पास बताने के लिए? ओके सर, चलिए आप। मैं सुसु आ गया। मुझे, मैंने आपको बच्चे मान लिया, जो मर्जी मजाक करूं, बच्चों के साथ मजाक करता है ना। आप मेरे सन्स एंड डॉटर्स हो, आपको याद रहा पिंकी कौन है? कौन है? शर्म नहीं आती है? मैं आपको अपने बच्चे मान रहा हूं, आपकी वाइफ, ये क्या होता है? मैं कह रहा हूं मेरे सन्स एंड डॉटर्स, पिंकी कौन है? आपकी वाइफ। फादर को ऐसे बोलते हैं आपकी वाइफ? क्या यार, कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहता है यहां पर? एनीवन? जिस आदमी ने जहां तक टिकट लिया था वहां तक गया। एक्सलेंट, सबकी ऑब्जर्वेशन एकदम सही है,
मैंने केवल आप ही की ऑब्जर्वेशन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है. फर्स्ट, एवरीवन नोस, हर कोई जानता है कि जिसने नहीं सोचा वो नहीं चलेगा. हर कोई जानता है. आप स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पर गए, टिकट विंडो से टिकट मांगी कि मुझे टिकट चाहिए, और उसने पूछा कहां जाना चाहते हो, और आपने कह दिया मालूम नहीं. अगर आप नहीं जानते कि आपने कहां जाना है, अगर आप नहीं जानते कि आपने कहां जाना है, तो दुनिया की कोई ट्रेन, कोई बस, कोई एयरक्राफ्ट, कोई कंपनी, कोई मैनेजमेंट, कोई सेमिनार आपको लेके नहीं जा सकता अगर आप नहीं जानते कि आपने कहां जाना है. सेकेंड, जिसने सोचा था लुधियाना वो लुधियाना पहुंच गया. आओ, जिसने सोचा था दिल्ली वो दिल्ली पहुंच गया. जिसने सोचा था कोटा वो कोटा, जिसने सोचा था रतलाम वो रतलाम, और जिसने सोचा था मुंबई वो मुंबई पहुंच गया. चांसेस थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चांसेस थे. जिसने मुंबई सोचा था वो मुंबई ना पहुंच पाता. एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन पहले उतर जाता. कोई भी कारण हो सकता था, मौसम खराब हो सकता था, आहो, ट्रेन खराब हो सकती थी, सेहत खराब हो सकती थी, कोई एक रीजन हो सकता था. मुंबई पहुंचने वाला मुंबई ना पहुंच पाता, एक स्टेशन पहले उतर जाता. लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसने सोचा लुधियाना था वो मुंबई पहुंच जाता. समझाने की कोशिश करता हूं, पैसे के साथ जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं. आपने सोचा कि आने वाले 40 दिनों में 1000 पॉलिसीज बेचनी है. उदाहरण यही ले लेते हैं, अपने काम की उदाहरण लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा. लेकिन इस एग्जांपल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखिएगा, हर जगह पर एक एग्जांपल फिट होती है, चाहे सोशल लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे आपके एकेडमिक्स हैं, चाहे आपकी दुकानदारी है. मैं एग्जांपल ले लेता हूं अपने प्रोफेशन. आपने सोचा 1000 पॉलिसीज बेचनी है 31 मार्च तक, और मैंने सोचा 10 बेचनी है. चांसेस हैं कि 1000 ना बेच पाओ, 950, 900, 850, 800, 700, 600, कहीं तो पहुंच जाओगे. जिसने सोचा ही 10 है वो 10 भी क्रॉस नहीं करेगा. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. प्राप्त करना समझते हैं, अचीव करना. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक अचीव नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता. सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत, जरूरत होती है आप हिम्मत, सोचने की हिम्मत चाहिए. अगर आपके सोचने की हिम्मत है ना तो कोशिश आसान हो जाती है, और जब कोशिश कर लेते हैं तो सक्सेस आपके पैर टच करती है. तो सपना देखना, स्वप्न देखना, ड्रीम देखना, डिजायर करनी, इच्छा करनी, गोल सेट करना ही सबसे मुश्किल काम है. उसके बाद तो ऑटो मोड पे चला जाता है, वहीं पर हम अड़ जाते हैं. दिक्कत यह नहीं है कि हमने बहुत बड़ा सपना देखा और हम पहुंच नहीं पाए. ये कविता थी, आपने बोलना है बाबा. वो कविता थी, आपने बोलना है बाबा यार. हाँ, तो मैं अर्ज किया है, दिक्कत यह नहीं है कि आपने बड़ा सपना देखा और आप पहुंच नहीं पाए. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. दिक्कत
ये नहीं कि आपने बड़ा सपना देखा आप पहुंच नहीं पाए, दिक्कत है कि आपने छोटा सपना देखा और आपने अचीव कर लिया। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ट्रेलर ने, मैंने आपको बताया कि मेरे में, मेरे ब्लड में लाइफ इंश्योरेंस है और मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां जितने लोग बैठे हैं सब मेरे बाद आए होंगे इस इंडस्ट्री में। आई स्टार्टेड माई करियर एज इंश्योरेंस एजेंट इन 1980 का, किसी कोई है यहां पर जिसने 80 में स्टार्ट किया हो? नहीं है, ओके, अब तो फिर ठीक रिश्ता बना, अब बच्चे ही हो मेरे। मैंने ये सारा कुछ मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे सिखाया था। मेरे मैनेजर मुझे कहते हैं अगर आपके गोल को सुनकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइफ चेंज हो सकती है इस सेंटेंस के बाद, मेरी तो हो गई थी। अगर आपके गोल को सुनकर, अगर आपके लक्ष्य को सुनकर, अगर आपके टारगेट को सुनकर पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका टारगेट छोटा है। मैंने सोचा 25,000 रुपीज अ मंथ कमाना है, मैं अपनी सिस्टर से बात की, दीदी मैंने सोचा है 25,000 रुपए महीना कमाना, और उसने कह दिया यस यू कैन डू इट। इसका मतलब मेरा गोल अभी छोटा है। मैं अपने भाई के पास गया, दादा मैंने सोचा है 50,000 ए मंथ, उसने भी कह दिया यस यू कैन, इसका मतलब अभी मेरा टारगेट बहुत छोटा है। मैंने अपने अंकल से बात की, 2 लाख 5 लाख 50 लाख, मैंने कहा जी 50 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और मेरे एक दोस्त कहता है पागल हो गया क्या? जब पहला व्यक्ति मिल गया आपको पागल कहने वाला, दैट शुड बी योर गोल, दैट शुड बी योर टारगेट। क्या हुआ नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नजदीक तो पहुंच ही जाएंगे। और मेरे बॉस ने, मेरे मैनेजर ने बात सिखाई थी 1986 नवंबर 20th, मेरे ब्रांच मैनेजर मुझे कहते हैं कि टीएस मदान 10th of November 1986, मेरे ब्रांच मैनेजर कहते हैं टीएस मदान इन बाकी 20 डेज में कितना काम करोगे? जब यहां पर मधुकर नाथ जी बोल रहे थे तो मुझे वो सारा सीन याद आ गया अपना 86 का। कितने साल हो गए? 31 ईयर हो गए। कहते कितना काम करोगे? मैंने कहा सर आज के बाद नहीं पूछना कितना काम करोगे। कहते आई एम योर मैनेजर, आई कैन आस्क। मैं कहा नहीं सर, आप मेरे से नहीं पूछिए कितना काम करोगे, आप मुझे बताइए कितना काम करूं, करना तो मैंने है, आप बोलिए। कहते मेरा क्या है, मैं कह दूंगा 500 पॉलिसीज। मेरे ब्रांच मैनेजर कहते हैं, सरदार नहीं थे वो वैसे, कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं कह दूंगा 500 पॉलिसीज। मैंने कहा सर कह दीजिए, जरूरत तो कीजिए, काम तो मैंने करना है। कहते हैं ओके डन 500 पॉलिसीज 20 डेज। और मैं तब तक कितना काम करता था? 1 पॉलिसी मंथ। मुझे किसी ने कहा था 12 पॉलिसी साल की करनी होती हैं, और 12 के साथ तो हमें वैसे ही बहुत प्यार होता है। साल में महीने कितने हैं? 12। कहते 500। मैंने कहा सर डन। मैंने फोन किया उसी समय पिंकी, अब तो पता लग गया पिंकी कौन है, चल लोगों की वाइफ का नाम नहीं भूलते हो, सबको याद है। मैं कहा पिंकी मैंने डिक्लेयर किया है कि 20 डेज में 500 पॉलिसीज बेचूंगा। अब आप जानते हो उसने जवाब क्या दिया होगा, पागल हो गए हो क्या? तो मुझे समझ लग गई कि मेरा जो टारगेट है, मेरा गोल है, वो सही बना है। उन दिनों में आज जो आपके पास एडवांटेजेस हैं, आज जो आपके पास सहूलतें हैं, वो तब कहां होती थी? आप जानते हो इस चीज को, ना इंटरनेट थे, ना मोबाइल फोन थे, ना हमारे पास कोई टैक्सी होती थी, ना कार होती थी। मेरे पास तो यसडी मोटरसाइकिल होता था जिससे 2 सिलेंडर लगे होते पीछे, वो मुझे बता दो। मोटरसाइकिल मैंने इसलिए लिया था बाइक के पेट्रोल डलवाने के समय उतरना ना पड़े, बस एक ही शौक था यार, कौन उतरे और कौन सी रुचि करे, सीधा बैठे बैठे फुल कर दे भाई। और इतना मजा आता है बाइक में पेट्रोल डलवा के कि साथ वाला लंबी कार वाला कहता है 1,000 रुपए का डाल दे या 2,000 का डाल दे, और मैं कहता हूं फुल कर दे। क्या उस समय शान होती है, मुझे पता है मैंने 200 रुपीज देने यार। आज सुबह जब होटल से निकला हूं सर, जब मैं होटल से यहां आया तो मैं पहले तैयार हो गया था, तो आपने मुझे कहा था 10 बजे तैयार हो जाना, तो मैं 10 बजे तैयार हो गया। अब मेरा टाइम नहीं बीत रहा था तो मैंने एक छोटी सी वीडियो
बनाई, उसको अभी अपलोड करूंगा, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी। मैंने ये पूछा वहां पर, मेरे जितने बातें मैंने आपको बोला, तीन वादे किए थे ना मैंने, फैमिली हैप्पीनेस, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड इनकम, तीनों इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। एक चीज में नहीं चल पाओगे आप, तीनों चीजों में लेके ही चलना पड़ेगा। तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन किया और आपको भी क्वेश्चन करता हूं ये वाला, कि आपके पास कोई मेरे से बात करना चाहता है, यहां खड़ा होके किसी से कोई एक हिम्मत है, मैं कुछ पूछूं तो बात कर सकता है, किसी में है डेयर? अरे सर, मैं हूं सर। हां चलो इनसे कर देता हूं। आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं कोई, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ नहीं, फिर किसी और से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आप बोलिए क्या व्हीकल आपके पास? टू व्हीलर सर। टू व्हीलर कौन सा? हीरो 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 होंडा। हीरो होंडा। पेट्रोल से चलता है डीजल से? पेट्रोल सर। पेट्रोल से। कभी कभी डीजल नहीं डलवाया उसने? नहीं सर। क्यों नहीं डलवाया? पेट्रोल का बाइक है सर। नहीं डीजल क्यों नहीं डलवाया? डीजल से इंजन खराब हो जाता है। हाँ यही सवाल जवाब सुनना चाहता था। कितने का मोटरसाइकिल होगा? 20,000, 30,000, 50,000 है ना? कितने होगा? कितने का होगा? 20,000, 30,000, 50,000 इतने ही होगा ना? कब कितना पुराना है? क्या सर जमदा नहीं सर। कितना पुराना है ये आपका बाइक? 2 साल? 5 साल सर। 5 साल पुराना है तो 20,000 में लिएगा। 20,000 का बाइक। अब बैठ जाइए, बहुत बड़ी बात आपने कर दी है और सबको मैसेज दे रहा है मैंने। 20,000 का बाइक ये रिस्क नहीं लेते हैं उसमें कुछ कोई और फ्यूल डलवाने का। जिस फ्यूल के लिए बना है वो पेट्रोल के लिए बना है, पेट्रोल ही डलवाते हैं। ये जानते हैं कि अगर डीजल डलवा दिया तो 20,000 का बाइक मिट्टी हो जाएगा। जिनकी गाड़ी डीजल की है वो पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी। जिस चीज के लिए इंजन बना होता है वही चीज डाली जाती है। एंड माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, आपकी जो बॉडी है इसमें जो मर्जी डालते हो, आने दो, तंबाकू भी आने दो, सिगरेट भी आने दो, शराब भी आने दो, भटूरे चने भी आने दो और मिठाइयां भी आने दो, जिस चीज के लिए बना नहीं है। करोड़ों रुपए का शरीर हम खराब कर सकते हैं, 20,000 का बाइक खराब करने के लिए तैयार नहीं है। डांटता भी केवल मुस्कुराता नहीं हूं, डांटता भी हूं और डांटने भी मुस्कुरा निकल आती है। ये फीलिंग्स ट्रांसफर होती है हमेशा, जब आप बोलते हो तो आपके वर्ड्स ट्रांसफर नहीं होते। एनीवे, उस समय कोई भी किसी तरह की हमें सहूलत नहीं होती थी। घर से बाहर निकल गए तो जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ वापस नहीं आ पाओगे, तो ब्रांच में कैश ही जमा करवाना पड़ता था, कोई ऑनलाइन सहूलत नहीं थी हमारे पास। तो मैंने पिंकी से पूछने के बाद कंफर्म कर दिया चार और लोगों से, 500 पॉलिसीज बेचना चाहता हूं। चार और लोगों ने भी बोल दिया कि तू पागल है, और मैं काम पे निकल गया। थर्ड डे, पहले दिन मैं फोटोग्राफर के पास गया, मैं कह रहा इस साइज का एक ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर बना दे। उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर ही होते थे, वैसे आज ही मेरा पोस्टर ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा। उसने 3 दिन लगा दिए पोस्टर बनाने में। आत्मकथा सुनाने नहीं आया हूं, बायोग्राफी सुनाने नहीं आया हूं, एक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ सके, इसलिए अपनी बात। मोटिवेशनल स्पीकर्स, प्रोफेशनल स्पीकर्स जो होते हैं नॉर्मली अपनी बात नहीं बोलते, क्योंकि अपनी बात होती भी नहीं है उनके पास। उनके पास होता है कि ए को सुनाते हैं कि बी कैसे कामयाब हुआ, ऐसे ही होता है ना। जो बाहर से प्रोफेशनल स्पीकर आते हैं ए को सुनाते हैं बी कैसे कामयाब हुआ, इसीलिए इफेक्टिव नहीं हो पाते। मैं अपनी बात सुना रहा हूं, जो मेरे पास था वही आपके सामने रख रहा हूं। सब लोग एक बार खड़े हो सकते हैं? सब लोग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मैंने क्यों पढ़ा है उसको, ये सत्संग है ना, सत्संग समझते आप? सत्संग समझते हैं जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी बातें सुनते हैं, गुरुजी टाइम है। तो सत्संग में एक और चीज होती है, गुरुजी बोलते हैं कि प्रेम से बोलिए, तो आप सब लोग अपने अपने धर्म का जयकारा बोलते हो, ऐसे ही है। ओए आहो बोलो यार, अब मैं कहूंगा आपको प्रेम से बोलिए, अपने अपने धर्म का जयकारा बोलना है, प्रेम से बोलिए। Thank you.
आपका जो रिलीजन है उसका जो जयकारा है उसको बोलना है प्रेम से बोलिए अच्छा बैठ जाओगे समझाना मुझे पड़ेगा सब कुछ सिखाना पड़ेगा यार कितनी देर है मेरे पास बोलने के लिए सर आरडी सर कितनी देर है मेरे पास बोलने के लिए हाफ एन आवर बोल ये सिखाने में बहुत कुछ है तो रात के 10 बज जाएंगे आधे घंटे में कैसे और 10 बजे रात को बैठ जाओगे ये बहुत सर बैठने को तैयार है पर बैठ के क्या करोगे काम तो बाहर है हमने भेजना आपको काम के लिए बिठाना नहीं बातें नहीं सुनानी है फोटोग्राफर ने मुझे अच्छा पहले धर्म का जयकारा बीच में रह गया मैं वही पढ़ रहा था जयकारा है क्या हमारे धर्म का जयकारा है विद अस यू आर श्योर हमारा धर्म वही है जो हमें हमारे बच्चों को भोजन देता है हमारा धर्म वही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो हमारे धर्म का जयकारा है विद अस यू आर श्योर तो बोल दीजिए प्रेम से एक बार फिर बोल दीजिए एक बार पूरे जोर से तीसरे दिन मुझे पोस्टर मिला मैं पोस्टर लेके ब्रांच मैनेजर के पास गया सर ये मेरा पोस्टर कहते क्या करूं मैं अक्सर जब मेरी 500 पॉलिसीज हो जाएंगी तो ब्रांच के बाहर मेरा पोस्टर भी लगाओगे यार ऑब्वियस है तब मेरे पास टाइम नहीं होगा सच्चाई आई स्वियर धंधे की कसम है ऐसा नहीं किया मैंने कहते यार एक सरदारों को कोई समझ नहीं सकता दिमाग नहीं होता आपके पास मुझे पहली बार किसी ने कहा था दिमाग नहीं होता आपके पास अब तो बहुत लोग कह लेते हैं हमारे पास दिमाग नहीं होता हम दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हम तो दिमाग से काम ही नहीं करते हम तो दिल से काम करते हैं मुझे पता था कि मैंने अपना पोस्टर दे दिया है मैंने घोषणा कर दी है मैंने डिक्लेयर कर दिया है अब मेरे लिए चैलेंज बन गया कि अब मरता क्या ना करता काम करना पड़ेगा तो मैंने पिंकी से बोला